मतलब जिसके पास साइकिल होती थी वो हर साल जाके टैक्स भरता था। यहाँ पे सबसे पुरानी वाली साइकिल आप देख सकेंगे 1914 की साइकिल है। ओके, ये गोल्डन सनबीम करके साइकिल है, ओरिजिनल पेंट में है। आप उसके अलग अलग फीचर देखेंगे तो यहाँ उसका एयर फिलिंग पंप है, आगे कार्बाइड का बना हुआ लाइट है। ये आगे लाइट है जी सब, यहाँ मतलब ये लाइट भी लगी हुई थी साइकिल में। हाँ, ये लाइट लगती थी। फिर इसका एक गियर शिफ्टर है अलग वाला। इसमें एक अलग चीज है, क्या ये ग्रिप में पंक्चर किट रखने की उसकी है, तो मतलब अगर टायर में पंचर वगैरह होगा तो अपना वो सेट करो। फिर यहाँ पे देखिए, ये साइकिल में जो दो हुक रहते हैं, अच्छा अच्छा, ये हुक में ये स्प्रिंग लोड बैठा पंप। ओके, और ये यहाँ से आप निकालेंगे, यहाँ फिट होता है, ठीक है। फिर आप वॉल ट्यूब में फिट करेंगे, हाँ, तो आप इससे एयर फिलिंग कर सकते हैं। क्या बात है। और ये साइकिल में सेट होके आता था। हाँ, ये साइकिल हो गई, ठीक है। इसमें आपको ब्रेक नहीं दिखते, आप अच्छा। सिर्फ इसको पीछे घुमाएंगे तो ये ब्रेक लग जाए। अरे वाह, इसको चलाइए एक बार। हाँ, ये चला और रोकिए, ये रुक गया। इसको पैडल ब्रेक कहते हैं। फिर ये जो है 20-25 सीसी का इंजन है। अच्छा, यहाँ पे इसका प्लग है, मैग्नेट है, ये पेट्रोल टंकी है, यहाँ पे साइलेंसर है। अभी ये पहिए के साथ कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, आप देखेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। मगर अगर आपको वो यूज करना है, हाँ, तो ये कर देंगे तो अभी ये पहिए के साथ कनेक्ट हो गया, देखिए। ओके, ये मतलब ये एक तरीके से मैनुअली की जगह फिर ऑटोमेटिक भी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बोला तो पेट्रोल। और अगर ये इंजन हमें ऑफ करना हो तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसका भी पहिए के साथ कनेक्शन मैनुअली हो गया। अगर आप ये साइकिल देखे जो चलाएंगे उसका फुटरेस्ट बोला तो उसका स्टीयरिंग है, और चलाने के लिए रोइंग की है जैसा चलाने का दोनों हाथ से। अच्छा, पैडल नहीं है इसमें? नहीं, पैडल नहीं है, आप पैर से डायरेक्शन देते हैं। हाँ, मैं वो और हैंडल कौन सा है फिर? हाथ से ये देते हैं। अब ये इसमें एक ये फोल्डिंग है, ये यहाँ से फोल्ड होती है। अच्छा, ये यहाँ से फोल्ड होती है, एक फोल्ड करके रखी हुई है। अच्छा, ये जो दिखा रखी है आपने, इसको आप कभी असेंबल कर सके? हाँ, चला सकते हैं, असेंबल चला सकते। ये सब टेल लैंप है, अंदर बल्ब रहने वाला। अभी ये जब घूमता है तो आप यहाँ देखेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वो लाइट लगता है। अभी ये देखिए, ये देखिएगा, जब भी आप रात दिन में चलाते हैं, हाँ, तो वो पहिए से डिस्कनेक्ट रहता है। अच्छा। आप अगर पैडल घुमाएंगे, हाँ, तो वो घूमेगा नहीं। हाँ, अगर आपको अलग है जी, हाँ, आपको रात को चलाना है तो अभी ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी आप ये घुमाएंगे, अब इसको मैं सामने से दिखाता हूँ। अभी ये घुमाएंगे तो देखिए ये लाइट लग गया। हाँ, चलाते रहिए। ये बात, इसको रोकिए सर, पैडल रोक दीजिए। ऑलमोस्ट लाइट, हाँ, जैसे जैसे कम होते गए, कम होता गया और बंद हो गया। हाँ, अभी ये साइकिल में जो डायनेमो है वो दिन में आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, ये इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट है, तो हाँ, कंटिन्यूअस एंगेज रहता है। अभी मैं साइकिल में इधर डायरेक्ट दिया हुआ है, हाँ, इसलिए अभी ये चल रहा है। मगर इन्होंने क्या किया था, दिन में यहाँ पे रिचार्जेबल सेल का बॉक्स दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, हाँ, वो एसी करंट रहता है, वो यहाँ पे डायोड डाल के वो डीसी में कन्वर्ट होता था, ठीक है। फिर आपको रात को इससे स्टेडी सप्लाई मिलता था। मतलब अगर ये साइकिल खड़ी भी रहेगी तो भी ये चलती रहेगी। ये जो साइकिल है आप पहले फोटो में देखेंगे, ये साइकिल यूज होती थी, ठीक है। और वो जो व्हाइट बेल्ट है पीछे, हाँ, वो उसका पैराशूट का बेल्ट है। ओके, इसलिए इसको BSA कंपनी की फोल्डिंग कहते हैं। जहाँ पे उसको साइकिल चलाने जैसी प्लेन जगह मिलेगी, चौथे फोटो में आप देखेंगे, तो इसका ये दो रिबेट पे इसका हिंज का काम होता है। आप देखिए, यहाँ पे एक रिबेट है, यहाँ, हाँ, पे एक रिबेट है, ये दो रिबेट पे हिंज का काम करती है। अच्छा, वो ऐसा खुल गई तो इसको ये विंगनट से, हाँ, वो विंगनट दोनों टाइट कर दिए, हाँ, तो साइकिल हो गई। ओके। और उसमें आप देखेंगे तो उसमें पैडल भी उसके फोल्डिंग है, हाँ, हाँ, अंदर, हाँ, के बाजू आए हुए, हाँ, हाँ, चलाते समय आपको वो बाहर निकालने हैं। फिर ये आगे चलाने के लिए रेडी हो गई, अभी अपना चल सकता है जी। अच्छा। इंडियन पोस्ट के लिए यूज होती थी, पोस्टमैन जो रहते थे, अच्छा, पहले, अच्छा, अच्छा, वो चिट्ठी वाला, हाँ, चिट्ठी वाले वो, हाँ, इसमें से लेके आते थे, बॉक्स में चिट्ठियां रखी रहती थी, हाँ, ऐसे इंडियन पोस्ट की साइकिल रहते थे, हाँ, रेड कलर की। ये ऊपर वाली ये रॉयल एनफील्ड इंडिया कंपनी, ये 1924 की, ये साल इसको अभी 100 ईयर हो गए। अब ये साइकिल के लिए लगने वाले ताले है, ओके, ये तो हमने देखे हुए रहते, वही वायर अपना नंबर लॉक वाला है, ठीक है। फिर ये एक पुराना वाला है, ये अगर आपको ना चलानी हो तो इसमें ताला लगाने का, चला के नहीं हो तो ऊपर लेके यहाँ ताला लगा के रखने का। तो ये कहाँ पे सेट होता था? ये वही पे पीछे के यहाँ पे सेट होता था, और वो स्पोक के अंदर लॉक होता था। फिर ये दो है वो यही पीछे स्पोक में जाके लॉक हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ये ऐसा हो गया तो लॉक हो गया, चाबी निकाल के लेके जाएंगे, हाँ, तो आगे का पीछे का पहिया घूमेगा नहीं। अच्छा, ये नॉर्मल चेन वाले? हाँ, अभी जो वायर लॉक्स आते हैं उसके, हाँ, लिए लगने वाले, पुराने वाले चेन लॉक्स है। ओके, फिर आप ये जो देखेंगे, ये पहले जमाने में धोती या पैंट यूज करते थे तो, हाँ, उसमें ट्राउजर के लिए क्लिप लगानी पड़ती थी, हाँ, ऐसे, या तो वो अटकते थे। मतलब कैसे, जैसे ये आपकी पैंट है? हाँ, तो पैंट है वो चेन में ना अटके करके ऐसे लगा के यहाँ पे वो ट्राउजर क्लिप लगाने के, उसके वो ट्राउजर क्लिप है ताकि वो इजीली चला सके और साइकिल वाइकल में ना आए।